आम आदमी पार्टी च शामिल हुए आईजी कुंवर विजय प्रताप। पिछले 70 साल में आपने इन तीनों पार्टियों को अनगिनत मौके दिए, कुछ नहीं बदला। वैसे का वैसे कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अज पंजाब दौरे ते है अते हुन आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अते दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच चुके है ते हुन दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों अमृतसर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अते प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सब तो पहला आम आदमी पार्टी प्रधान अरविंद केजरीवाल ने आईजी कुंवर विजय प्रताप नू आप पार्टी दे विच शामिल किया। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सब तो पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह नू आम आदमी पार्टी दी मेंबरशिप सौंपी। ए ऐलान सब तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीता गया अते हुन आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी विच शामिल होके आम आदमी पार्टी दे मेंबर बन चुके है ते हुन वेखना ही होवेगा कि अरविंद केजरीवाल दे वल्लों आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह नू केड़ा ओहदा सौंपिया जांदा है। बहुत खुशी दी गल है कि आम आदमी पार्टी दे विच मन्ने परमन्ने खिडारी, मन्ने परमन्ने वकील, मन्ने परमन्ने जज, मन्ने परमन्ने कलाकार, मन्ने परमन्ने ईमानदार अफसर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे ने। कुछ नौकरियां छड़ के बन रहे ने कि असी ये नौकरी करनी नहीं, असी बाकी जिंदगी पंजाब दे लेखे लाउणी है। इस लुटेरी जमात नूं असी सबक सिखाउणा है। जो असी नौकरी तां नहीं कर सके, असी नौकरी तो बाहर रह के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके वह कर सकते हैं। तो अज असी स्वागत करते हैं श्री कुंवर विजय प्रताप जी, थोड़ा मैं स्वागत करना। अज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बन जा रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप जी साफ सुथरे ते अपनी इमेज उन्होंने बरकरार रखी। अस्तीफा भी देन गए, मनाया भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने कि ना अस्तीफा दो, कहते नहीं इस तरह की जलालच मैं कम नहीं कर सकता। हाँ, मैं सुपने पूरे करूंगा, मैं फैसले आपके जोड़े सुनाने से मैं सुनाऊंगा, पर मैं किसी होर कलम न सुनाऊंगा। सो अज आम आदमी पार्टी जो शामिल हो रहे हैं, सब तो पहला मैं मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं बेनती करूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी कुंवर विजय प्रताप जी को आम आदमी पार्टी शामिल करके इस्तीफा पा के अमृतसर के इस पवित्र धरती को मैं नमस्कार करता हाँ, प्रणाम करता हाँ। इस मिट्टी ने मैं वो सब कुछ दिता जो एक इंसान ने हर वो चाहता है। आज अस बैठे हुए हाँ इतने, मैं धन्यवाद करता हाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि आज इतने तशरीफ लाए हैं। असं एक नवी शुरुआत कर जा रहे हैं। दसनयोग है कि आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह दे आम आदमी पार्टी विच शामिल होने दे नाल पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं काफी वड्डा धक्का लग्या होवेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह यह सोचते होंगे कि आईजी कुंवर विजय प्रताप सिर्फ और सिर्फ उन्हां दे हक विच है। पर आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों मारी गई यह पलटी उन्हां नूं कित्थे तक लेके जांदी है, यह तां आउण वाला समां ही दसेगा। नाल ही इस तों बाद आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 2022 विच आउण वालियां विधान सभा चोणां दे लई पंजाब मुख्यमंत्री दे चेहरे दा ऐलान करन वाली गल नूं लेके आप प्रधान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असीं जल्द ही सीएम दे चेहरे दा ऐलान करांगे अते सीएम दा चेहरा जरूर सिख धर्म दे विच होवेगा। आओ सुणदे हां की कहना है इस बारे आम आदमी पार्टी प्रधान अरविंद केजरीवाल दा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों को अपील करना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आपने इन तीनों पार्टियों को अनगिनत मौके दिए, कुछ नहीं बदला। वैसे का वैसे कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो।
हम सब मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ पंजाब की दशा और दिशा दोनों बदलें। बहुत बहुत मेहरबानी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल झलक छोटी जी दिखाई है, जिन्होंने पंजाब के लोग भी बड़ी बेसब्री 2022 के अपने पंजाब की धरती से लागू होता देखना चाहते ने, लोचते ने, सोचते ने कि जे दिल्ली के एक नवी पार्टी तीजी बार सरकार बना सकती है। एक बार मौका मिले तो उस तो बाद लोग कहते असं होर किसी को मौका ही नहीं देना। एक यहोजा नेता शायद ही मैं तो अपने जिन्ना मेरा सुरत जो मैं संभाली है मैं नहीं देखे इस तरह का कोई नेता जिहड़ा वोटां तो पहले ये कहता हो जे मेरे पिछले 5 साल के काम तुहानू चंगे लगते हैं तो वोट पा दिओ, जे नहीं चंगे लगते बिल्कुल ना पाओ। इस तरह की डेयरिंग स्टेटमेंट वास्ते जिगरा भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, तो पता भी होना चाहिए दिल च कि मैं कुछ किया उही बंदा कह सकता है। सो ईमानदारी दे पुंज ते देश दे सब तो फेवरेट मुख्यमंत्री लोगों के मनपसंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इस तो पहला कि असं थोड़े सवाल लीए मैं साढ़े सारे MLA साहबान को बुला चाहूँगा उपर ताकि एक फोटो थोड़े सारे नाल हो जाए। आम आदमी पार्टी के MLA साहबान अमन अरोड़ा जी, मीत हेयर जी, कुलवंत पंडोरी जी, अवतार संधना जी, रोड़ी साहब, प्रिंसिपल बोधराम जी, संधोआ साहब, बलदेव सिंह जी, प्रोफेसर साधु सिंह जी, मैडम मानोके, सतीश कौर मानोके, तलवंडी साहब दे साडे विधायक, इस तो अलावा रूपी जी। आम आदमी पार्टी का CM फेस कौन होगा इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का CM फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें यह लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका CM सिख समाज से है। हमारा यह मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।